क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बस अचानक नदी में गिर गई? फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर शहर से, जहां विमल शर्मा नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पेशे से विमल शर्मा एक साड़ी की दुकान पर काम करते थे। एक समय की बात है जब उनके माता पिता ने केदारनाथ जाने की इच्छा जताई। विमल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उन्हें तीर्थ यात्रा भी कराना चाहता था, परंतु वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस लिए और विमल खुद अपने माता पिता के साथ केदारनाथ जाने के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था इस यात्रा के दौरान महादेव उसकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। यात्रा के इस पड़ाव में सबसे पहले वे लोग हरिद्वार पहुँचे, जहाँ उन्होंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और गंगा की पवित्र आरती भी देखी। अब उन्हें हरिद्वार से केदारनाथ की सीधी बस पकड़नी थी, जिसमें उनके साथ कई श्रद्धालु मौजूद थे जो हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाकर केदारनाथ मार्ग का लुप्त उठा रहे थे। इस बस के अंदर विमल, उसके माता पिता और कई श्रद्धालु मौजूद थे। और जब उस बस ने हरिद्वार से केदारनाथ का आधा सफर तय कर लिया था, उस समय वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब वो बस एक ब्रिज को पार कर रही थी जिसके दोनों ओर गंगा नदी थी, उसी समय बस ड्राइवर को नींद का एक झोंका आ गया, जिसके कारण बस ने अपना पूरा संतुलन खो दिया और वो बस असंतुलित होकर सीधे नीचे गंगा नदी में जा गिरी। उस समय उस बस में 40 से भी ज़्यादा पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें विमल और उसके माता पिता भी थे। उस समय उस घटना का कोई साक्षी भी नहीं था जो किसी तरह उस बस की मदद कर पाता। विमल जी बताते हैं कि जब हमारी बस उस नदी में गिरी, तब हम समझ चुके थे कि अब हमारी जान नहीं बच पाएगी और मुझसे ज़्यादा दुख मेरे माता पिता का था। बस में उपस्थित सभी श्रद्धालु ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का ही जप कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बस के अंदर भी पानी भरने लगा था और सभी को बचने की उम्मीदें पूरी तरह से समाप्त लग रही थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर महादेव का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी के दिमाग को हिला कर रख दिया। अचानक से बस पानी के ऊपर आने लगी। जब ध्यान से देखा गया तो पाया कि एक क्रेन अपने सहारे उस बस को ऊपर ला रही थी और देखते ही देखते क्रेन की मदद से उस बस को पुनः ब्रिज पर ला दिया गया। सभी लोग ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उस समय ब्रिज पर कोई मौजूद नहीं था। तो फिर कॉल करके यह क्रेन को किसने बुलाया था और इतनी जल्दी क्रेन का वहाँ उपस्थित हो जाना, वास्तव में ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार था। परंतु उस बस के अंदर कुछ ऐसे भी पैसेंजर मौजूद थे जिन्हें सांस की तकलीफ थी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जानने वाली बात यह थी बस में मौजूद समस्त 42 श्रद्धालु पूरी तरह से जीवित थे और महादेव की कृपा से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ था। विमल और उसके माता पिता भी यह चमत्कार देखकर बहुत ही हैरान थे। उन्होंने थोड़ा बहुत आराम किया और केदारनाथ पहुंचकर बाबा से इसका शुक्रिया अदा किया और चार धाम की यात्रा भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न करी। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें।
अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।